सूर्या कुमार, क्वालिफिकेशन एमएससी एमबीए, स्ट्रेंज वर्किंग एज अ जिम ट्रेनर, पेइंग गेस्ट रहता है और आगे पीछे कोई नहीं। इंटरेस्टिंग। इतनी छानबीन की कोई खास वजह? तुम्हें देखते ही मेरी जिंदगी के कुछ सुनहरे पल मेरी आंखों के सामने फिर से लहराने लगे। सपने साकार हो सकते हैं अगर कोई मेहरबान हो जाए तो। तेरी बाहों के घेरे में मेरी दुनिया सिमटती है। मेरे अंदर एक आग सी लगी हुई है, आज मैं चाहती हूँ ये आग अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाए। तेरा ही जादू है ये दिल बेकाबू है, मुझको संभालो जरा। अपनी खूबसूरत पड़ोसन से मिलने का ये स्टाइल अच्छा था। जब सूरज उगता है तब भी वो उतने खूबसूरत लगता है जितना कि वो डूबते वक्त दिखता है। सूरज इंसान को पॉजिटिव रहना सिखाता है, खुशियों को बिखेरना सिखाता है। तुमसे मिलना, मिलना तुमसे। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। हम 3-4 बार ही तो मिले हैं। उसमें क्या होता है, जो होना होता है एक ही बार में हो जाता है। ये मेरे पड़ोस में रहती है, आते जाते मिल जाती है। बहुत छोटी है वो, 17-18 साल की। अच्छा। की लड़कियाँ अपने प्यार को पाने के लिए कोई भी सीमा पार कर सकती हैं, क्योंकि मैं भी इस उम्र से गुजरी हूँ। भाभी जी का जो कम उम्र के लड़के के साथ में चक्कर चल रहा है, उस चक्कर को टारगेट कर सकती है। तुमने किसी सूर्या नाम के लड़के को नौकरी पर रखा है? मेरी जिंदगी में क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हो डिवोर्स के बाद? सुनो, आज तुम जरा जल्दी आ जाना, रात को भी लेट जाना उसके सो जाने के बाद। एक तरफ तुम्हारी बॉस है माया जो उम्र में काफी बड़ी है, और दूसरी तरफ है वाणी जो काफी छोटी है। तो मैं करूं तो क्या करूं? क्या बोलता है पब्लिक? वो तुम्हारे माया जाल में फंसा हुआ है, उसे तुम आजाद कर दो। तुम्हारी उम्र की हर लड़की को ये भ्रम हो जाता है, और ये भ्रम मृग तृष्णा की सिवा कुछ भी नहीं। आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सही था या गलत मैं नहीं जानता, पर मैंने सोचा है कि आज के बाद हमें नहीं मिलना चाहिए।